हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्याज और टमाटर की फ्राइड चटनी बनाने जा रही हूँ। ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्याज और टमाटर की हल्की सी सब्जी जैसी होगी। बहुत मेरी फेवरेट है। जब मुझे कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती तो मैं झटपट से ये बनाती हूँ और इससे मैं दो की जगह चार रोटियां तक खा जाती हूँ। ये मुझे इतनी अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/3 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ लाल मिर्च पाउडर, और ये मेरी 2-3 हरी मिर्च थी, और ये मेरी 8-10 लहसुन की कलियाँ, ये मेरी 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये मेरी 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी। इसमें मैंने सरसों का 3 चम्मच तेल डाला हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी 1 चम्मच के करीब। बहुत ही झटपट और सिंपल स्टेप्स के साथ ये बन जाती है। बहुत यमी भी लगती है और पेट भी भर जाता है अच्छे से। इसके साथ मैं गार्लिक डालूँगी, साथ ही मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। हल्का सा इन्हें 1 मिनट तक मैं भून लेती हूँ। अच्छे से मेरा लहसुन हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अभी इस स्टेज में मैं अपना अनियन डालूंगी। अनियन डालने के बाद मैं 2-3 मिनट इसको फ्राई करूंगी, अच्छा हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का होने लगे बस। लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट बस मैं इसको फ्राई कर लूँगी। क्वांटिटी में ज़्यादा है तो टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी प्याज बहुत अच्छे से अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करने जा रही हूँ। टमाटर के साथ ही मैं अपने सूखे मसाले भी ऐड कर दूंगी, जिससे अच्छे से टमाटर के मॉइस्चर लिए भून जाएंगे और हमारी जो चटनी है उसको मसालों का फ्लेवर मिल जाएगा। तो इन्हें मैं अच्छे से भून लेती हूँ। अच्छे से हम लोग इसको भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैंने कर भी लिया है। और अभी इसको मैं कम से कम 3 से 4 मिनट या तब तक जब तक मेरे टमाटर अच्छे मैशी मैशी टाइप के ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ थोड़ा बहुत पानी डाल लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे कोशिश करूँगी ना डालना पड़े। फ्लेम एकदम लो है, इसको मैं 3-4 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको देखूँगी ओपन करके। 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है मैंने अपने टमाटर और बाकी सारे मसालों को। मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी, ये मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाल दिया है, और इसको मैं 1-2 मिनट और अच्छे से भून लूंगी। बस मेरा चटनी रेडी हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी हल्की सी लिफ्टी सी पसंद है, इसलिए मैंने पानी ऐड किया। इसको मैं बस 2 मिनट और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरी प्याज टमाटर की फ्राइड चटनी एकदम तैयार है। एकदम स्पाइसी चटपटी बनी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए आप लोग भी बना के देखिएगा इस तरह से। अगर पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।